दोस्तों सुबह होते ही हम सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और जॉगिंग से करते हैं तो कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत पापा मम्मी के डांट से करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है हम लोग और भी अपने काम में लग जाते हैं। एज ए स्टूडेंट हम लोग के पास काम होता है स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर पढ़ाई लिखाई करना और फिर शाम में खेलना कूदना। दोस्तों इतना सब काम दिन भर करने के बाद शाम में हम लोग पूरी तरह से थक जाते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा कि आखिर शाम में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब लगता है काम ना हो पाएगा? क्यों हम लोग अपने बॉडी को थका हुआ महसूस करते हैं? क्यों हम लोग अपने आप में टायर्ड फील करते हैं? कुछ तो हमारे बॉडी में कम पड़ गया ना जिसकी वजह से अब लगने लगा कि अब और काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों जिस चीज की हमारे बॉडी में कमी हो गई वही चीज कहलाता है एनर्जी, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनर्जी क्या होता है और साथ ही साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सो दोस्तों दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो फटाफट चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कि आखिर एनर्जी क्या होता है और इनके सोर्सेस क्या क्या है। दोस्तों एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा। तो अब एनर्जी क्या होता है समझिएगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एनर्जी आखिर होता क्या है। मान लेते हैं कि आप शाम में बिना खाना पीना खाए ही सो गए, सुबह जैसे ही होती है फिर आप अपने काम में लग जाते हैं या फिर आप कहेंगे आप जॉगिंग के लिए निकलते हैं। जब आप जॉगिंग के लिए डेली भाग रहे होते थे तो आपके अंदर में एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी फील होती थी, लेकिन आज जब रात में आपने खाना नहीं खाया है, रात में जब आप डिनर नहीं किए हैं, तो आज जब सुबह भाग रहे होंगे तो निश्चित ही जितना डेली भागा करते थे आज उतना नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि आज आप अपने आप में थोड़े लेस एनर्जाइज फील करेंगे। अपने अंदर में आपको लगे कि नहीं यार आज थोड़े से ना थके थके से हैं, आज हमारे बॉडी में वो स्टैमिना नहीं है जितना हमेशा होता था। तो दोस्तों आपको इस बात से थोड़ा तो समझ में आया होगा कि कोई भी काम करने के लिए हमको जिस चीज की जरूरत होती है वो कहलाती है एनर्जी। यानी कि कोई भी काम करने के लिए जो क्षमता हमें चाहिए वही क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या फिर कहेंगे कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। दोस्तों समझ में आया कि एनर्जी आखिर क्या होता है? चलिए मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं और थोड़े डिटेल में समझाता हूं। दोस्तों यदि आपको अपने फ्रेंड से कोई काम करवाना है तो इतना तो कंफर्म रहिए वो बंदा फोकट में करेगा नहीं, उसके लिए आपको उसके साथ कुछ डील करना होगा। आपको हो सकता है उसे ये कहना होगा कि भाई आज तू कर दे मैं कल कर दूंगा, या फिर आपको ये कहना होगा कि आज कर दे भाई इसके लिए तू पैसे ले ले, या फिर चल मैं तुझे मूवी दिखाता हूँ फिर या पिज्जा खिलाता हूँ, ऐसे कुछ आपको प्रोमिसेस करने होते हैं फिर वो बंदा तैयार होता है आपके लिए करने को। तो ये गिव एंड टेक हुआ कि नहीं? आपने कुछ दिया उसके बदले में उन्होंने कुछ दिया, या कहेंगे उन्होंने कुछ दिया उसके बदले में आपने कुछ दिया। तो ये गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ हम इंसानों में नहीं है, ये इंसानों के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी है ना इन सब में ये गिव एंड टेक होता है। कोई भी फोकट में कुछ नहीं करने वाला है। आप यदि सोचते हैं कि ये चीज सिर्फ इंसानों में होता है तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये जितने भी नॉन लिविंग है ना इनको भी पहले कुछ देना पड़ेगा आपको, फिर ये कोई काम करेगा। एक एग्जांपल अगर लूं, मैं यहां पर जो बल्ब ग्लो कर रहा है आपको क्या लगता है ये अपने आप ग्लो कर रहा है? इसको मैंने कुछ दिया नहीं है, निश्चित ही इसे मैंने दिया है, इसने इलेक्ट्रिसिटी पहले मुझसे लिया फिर ये मेरे लिए ग्लो करने शुरू किया। यदि मैं इसके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दूं फिर ये पक्का ही ग्लो नहीं करेगा, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं कहूं कोई गाड़ी का मैं एग्जांपल लूं, कोई व्हीकल का एग्जांपल लूं, तो वो भी अपने आप चलने से रहा वो आपके लिए कभी नहीं चलेगा। पहले उसको आप कुछ दीजिए, पहले आप इन्वेस्ट कीजिए उसमें फिर वो आपके लिए काम करेगा। यानी कि पहले उसमें आपको पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा फिर वो एनर्जाइज होके फिर आपके लिए चलेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि कोई भी चीज, चाहे लिविंग की मैं बात करूं या नॉन लिविंग की बात करूं, हर चीज को पहले कुछ देना होता है फिर वो काम करेगा। तो काम कराने के लिए जो चीज हम किसी में देते हैं वो कहलाती है एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो काम कराने के लिए जो क्षमता की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा। तो दोस्तों होप आप एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
अब आपको मैं समझाता हूं कि ये एनर्जी आखिर आता कहां से है। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि हम इंसानों के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें मिलता है फूड से। हम फूड को या तो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं या फिर कहेंगे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, यदि आप दाल या दूध ले रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो दोस्तों हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड। और दोस्तों हमें फूड कहां से मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट से। तो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ वो फूड हो गया। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे चीजों में ये फूड ही एज एनर्जी काम करेगा आपका। अलग अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग टाइप का एनर्जी देना होगा, फिर वो काम करेगा। ये एनर्जी के ना बड़े नखरे हो रखे होते हैं। आप यदि एनर्जाइज होना चाहते हो तो आपको फूड चाहिए, यदि ये बल्ब एनर्जाइज होना चाहता है इसे आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा फिर ये एनर्जाइज होगा, यदि आप गाड़ी को चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेट्रोल को एज ए एनर्जी देना होगा फिर वो गाड़ी आपके लिए चलेगी। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हर ऑब्जेक्ट का सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये बल्ब का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। वो गाड़ी के लिए जो पेट्रोल डाले थे तो कहेंगे उस गाड़ी का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, वो पेट्रोल। पेट्रोल कहां से मिलता है हम लोग को, जमीन के अंदर से हम लोग निकाल रहे होते हैं उसको। तो दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, एकदम आपको समझ में आया एनर्जी क्या होता है, ये भी आपको समझ में आया, और सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट कैसे होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों किसको कहेंगे हम लोग एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी, किस तरह के एनर्जी को हम कहेंगे कि एकदम बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वैसे एनर्जी जो आपको कम में ही ज्यादा एनर्जाइज फील कराए। मैंने क्या कहा कि कोई भी एनर्जी आप ले रहे हो, कोई भी चीज को आप ले रहे हो, लाइक आप फूड ले रहे हो, तो फूड में ही हम लोग वैसे फूड को कहेंगे अच्छा फूड जो कम लेने से ही आपके बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। तो वैसे को हम लोग कहेंगे कि ज्यादा अच्छा फूड है ये, ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अभी मैं एक एग्जाम्पल फिर से देता हूं। मान लेते हैं कि हम लोग जब खाना पका रहे होते हैं तो हमें क्या जरूरत होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है खाना पकाने के लिए, फायर, आग की जरूरत होती है। तो आग से हमें एनर्जी मिलता है और वही एनर्जी से खाना पक रहा होता है। तो दोस्तों आग हमें मिलता कहां से है, तो आग हमें मोस्टली दो जगह से मिल रहा होता है। एक तो आप हो गया वुड या फिर कहेंगे कि कोल, तो वुड या कोल से आप फायर पाते हैं, उससे आप आग जलाते हैं, या फिर दूसरा कहेंगे एलपीजी। बहुत सारे घर में गांव में अभी भी वुड या कोल का इस्तेमाल किया जाता है आग के लिए, खाना पकाने के लिए, और बहुत सारे घरों में अभी एलपीजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ये वुड या कोल और एलपीजी में ये दोनों में कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो निश्चित ही आप कौन सा कहेंगे, आप कहेंगे एलपीजी। क्यों, क्योंकि इससे जब खाना पक रहा होता है तो इससे बहुत टाइम लगता है और साथ ही साथ ये पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता है, ये हमारे एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इससे अगर आप खाना पका रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि लकड़ी खत्म हो गया क्या, अगर खत्म हो गया तो फिर दौड़ के जाइए लकड़ी उठा के लाइए, फिर आप डालिए, फिर आपका खाना प्रोसेस होगा आगे। लेकिन एलपीजी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार सिलेंडर को आप भर लीजिए फिर कई महीने तक आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो एक तो उस हिसाब से हुआ, दूसरा जो अभी मैंने बताया कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, इससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है, जो कि पोल्यूशन फैलाता है। लेकिन अगर बात करें एलपीजी की तो ये आपका पोल्यूशन फ्री है, इसमें बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे ऐसा एनर्जी जो कि आपको चीप में अच्छा क्वालिटी का मिले, जो आपको कम में ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे।
ठीक है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया कि ये एनर्जी क्या होता है और सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं कि हमें जब कोई काम करना होता है तो काम करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो कहलाता है एनर्जी। एनर्जी हमें मिलता है कहां से? फूड से। आप फूड लोगे फिर आप एनर्जाइज होंगे। और ये फूड कहेंगे कि कहीं ना कहीं फूड कहां से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है या फिर और भी सोर्सेस से मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको एनर्जी के लिए फूड लेना होगा। फूड से आपके बॉडी में एनर्जी आएगा और फिर एनर्जी आने के बाद ही आप कोई वर्क को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो होप आप इनको समझ पाए होंगे एकदम अच्छे से। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यदि ये बेनिफिशियल हो रहा है, तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।